ayo mano, ayo mano, bijli ai, बिजली मिली तो बिजली मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। हाँ बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झोलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला है चला। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying I have Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। जादू लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जगह फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। ये लड़की का कपड़ा पहन के भागा ब्लाउज फरवा कर। आदम ने कहा कि जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। हमको भी फायदा होता, हमारा हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ 1 लाख हो जाता। बैठ के चाबते रहते हम लोग मोबाइल में निकाला, मम्मी बचवा सब ठगा गया, मम्मी अच्छा दिन 15.5 लाख रुपया याद आ गया हमको। एक लिख के लाए हैं हम, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। Am I supposed to only answer your question or should I speak something also? नहीं, पहले ये सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल तो आपका पूरा का पूरा ऐसा है जो एक दिशा में विषयांतर करा देगा। सबसे पहले मैं कन्हैया जी जो कि हमारे जूनियर हैं जेएनयू के, और ये काफी आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए, मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए स्टूडेंट, आप हमको सपोर्ट नहीं करते। सुनिए अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजी है। सुनिए पहले कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए राजदीप, कन्हैया जी के पास एक इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। नहीं मैंने आपको सवाल पूछा उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, जवाब नहीं, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन को
सरकार तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, हाँ। ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता, गाली मत दीजिए, दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए, डबल स्पीक, दोगला गाली नहीं, तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल स्पीक, यस, यदि डबल, यदि यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, बिल्कुल बात नहीं, आप दोगला हैं, बिल्कुल, यदि तुम्हारे जैसा बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, तुम्हारे जैसा बात, आपके नेता दोगला हैं, तुम्हारे जैसा बात, देखिए कन्हैया जी, गाली मत दीजिए, गाली नहीं है, कन्हैया जी उनको सुबह दीजिए, गाली बर्दाश्त नहीं, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, एक मिनट, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, अरे गाली आप क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप देश के साथ अत्याचार बलात्कार कर रहे हैं, एक मिनट, आप हमें बताइए सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है राजदीप जी, इन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहाँ पर मिठाई बटी और पार्टी हुई, उस समय 2010 में, हमें 2011 में मेरा, अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को कुछ पता नहीं है, मेरा एडमिशन 2011 में हुआ, झूठ बोलिएगा, आपका जन्म कब हुआ, आपका जन्म कब हुआ, 87 में, हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा, नहीं कि बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे, आपको पता है, अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे, एक मिनट, आपको पता है, हम जेएनयू में थे, आपको पता है, हम 89 में, आप क्या किए, हम आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स को के खिलाफ जो है, हाँ? जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते थे, चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए, अरे अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे, बताइए हमको, जवाब दीजिए, जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग जेएनयू का नाम बर्बाद करने के लिए हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए हैं, 9 फरवरी को क्या था, कौन मनाया है? ये मनाया है ये आदमी, तुम आप मनाए हो, बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं, 9 फरवरी को, गृह मंत्री है, 9 फरवरी को, मोटा भाई जो अपने आप को चालक कहता है, 9 फरवरी रखिएगा, अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में, बिल्कुल, अरे मत, तो जेल गए थे ना, बकवास बंद, जेल गए थे ना, तो जेल में खड़े हैं, तुम जेल में थे, जेल में खड़े हैं, बोलिए, अरे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, एक मिनट, सीनियर है गुंडा में, गुंडागर्दी सीनियर है तुमसे, सर मैं सवाल, एक मिनट, मैं आपको सवाल जिसका जवाब, ऑडियंस, अरे सर जी तुम्हारे हिसाब से जेल में, एक मिनट ऑडियंस, सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल, मेरा सवाल साफ था आपसे और अभी भी वही है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।